कोरोना काल के दौरान ज्यादातर देशों ने बाहरी मुल्कों से आने वाले लोगों पर बैन लगा रखा था, जिसका खामियाजा ज्यादातर एविएशन इंडस्ट्री को ही भुगतना पड़ा था। और अब कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव कम होते ही हवाई यात्रा में तेजी आ गई है। इसकी वजह से हाल के दिनों में हवाई किराए में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। महंगे हवाई सफर का हाल यह है कि लंदन से दिल्ली की फ्लाइट का बिजनेस क्लास का टिकट करीब 5 लाख रुपए तक पहुंच गया है। ब्रिटिश एयरवेज की दिल्ली से लंदन की फ्लाइट का 26 अगस्त के लिए बिजनेस क्लास का किराया 4,96,155 रुपए तक पहुंच गया, जबकि इसी दिन इस फ्लाइट का इकोनॉमी क्लास का किराया 1,60,364 रुपए तक था। इसके पीछे एकदम से बढ़ी डिमांड को बड़ा कारण बताया जा रहा है। पिछले एक महीने में भारी डिमांड के चलते भारत से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रूटों का किराया काफी हद तक बढ़ चुका है। बढ़े किराए का ये ट्रेंड सिर्फ लंदन की फ्लाइट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया की बाकी देशों की फ्लाइट टिकटें भी अब महंगी होती जा रही हैं। easymytrip.com के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो दिल्ली से न्यूयॉर्क तक की फ्लाइट का इकोनॉमी क्लास का औसत किराया जुलाई में 69,034 रुपए से बढ़कर अगस्त में 87,542 रुपए तक पहुंच गया। यह हाल तब है जब सरकार ने सामान्य कमर्शियल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पिछले साल 23 मार्च से ही रोक लगा रखी है। अभी सिर्फ कुछ खास उड़ाने उन पर ही लोग जा सकते हैं जिनके लिए यात्रा करनी जरूरी है, जैसे कि स्टूडेंट हो या कोई और लोग जिनकी यात्रा बहुत अहम हो जाती है। जुलाई महीने में मुंबई और मॉस्को फ्लाइट की अगर बात करें तो इकोनॉमी क्लास का औसत किराया 43,132 रुपए का था, और इसी तरीके से मुंबई दोहा की उड़ान का इकोनॉमी क्लास का औसत किराया 11,719 रुपए तक था, लेकिन अगस्त में ये बढ़कर क्रमशः 85,024 रुपए और 18,384 रुपए तक पहुंच गया। हालांकि इस ऊंचे किराए को लेकर सोशल मीडिया पर लोग इसकी शिकायत भी कर रहे हैं कि इन सरकार के गृह मंत्रालय के इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटरिएट के सचिव संजीव गुप्ता ने ट्वीट करके कहा है कि 26 अगस्त की लंदन से दिल्ली की ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट का किराया 3.95 लाख रुपए लिया जा रहा है। गुप्ता ने कहा है कि लंदन से दिल्ली की फ्लाइट का विस्तारा और एयर इंडिया की फ्लाइट से भी 26 अगस्त का इकोनॉमी क्लास का किराया क्रमशः 1.2 लाख रुपए और 2.3 लाख रुपए लिया जा रहा है। इन दिनों में यूके में एडमिशन का समय होने के कारण भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जा रहे हैं, और इस बारे में विस्तारा के प्रवक्ता ने कहा है कि कीमत हमेशा मांग और आपूर्ति पर ही निर्भर होती है। भारत से फिलहाल यूके के रूट पर सिर्फ 15 ही फ्लाइट्स को जाने की इजाजत है। जब नरमी हो जाएगी तो इसमें इजाफा भी किया जा सकता है।